नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव के साथ विवादों का नाता खत्म नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला स्वामी रामदेव के वैदिक शिक्षण संस्थान गुरुकुलम से जुड़ा है, जिस पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के कुछ अभिभावकों ने अपने 4 बच्चों को हरिद्वार के गुरुकुलम में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि अभिभावकों ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मदद मांगी थी, जिसमें अभिभावकों ने कहा कि 4 बच्चों को परिजनों को सौंपने के लिए गुरुकुलम प्रबंधन की ओर से 50,000 रुपये प्रति छात्र सिक्योरिटी मांगी गई। इस पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है। आपको बता दें कि अभी रामदेव और IMA के बीच चल रहा विवाद शांत नहीं हुआ है। IMA ने रामदेव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। CM बघेल ने ट्वीट करके कहा है कि पतंजलि गुरुकुल स्कूल में छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों को बंधक बनाए जाने की शिकायत मुझ तक पहुंची थी। गरियाबंद कलेक्टर और SP की पहल पर बंधक बनाए गए बच्चों को छोड़ दिया गया है। मैं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको बता दें कि इन छात्रों के अभिभावकों ने हरिद्वार के जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर मदद मांगी थी। उस पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।